तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। आपको बता दें, कुछ देर में उत्तर प्रदेश पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। तो दिल्ली यूपी बॉर्डर लूनी में राहुल गांधी की सभा भी होगी, तो मंच पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। तो आज से उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी। आपको बता दें कि कुछ ही देर में दिल्ली यूपी बॉर्डर लूनी में राहुल गांधी की सभा होगी, तो कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी, साथ ही लूनी में राहुल गांधी की सभा भी होगी, तो मंच पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने अखिलेश यादव और मायावती से भी निवेदन किया था यात्रा में शामिल होने के लिए, और दोनों ने राहुल गांधी को धन्यवाद भी दिया था इस यात्रा के लिए। साथ ही अखिलेश यादव ने इस यात्रा के लिए राहुल गांधी का स्वागत किया था। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, कुछ ही देर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारी की जा रही है? उदय बिल्कुल जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का काफी वर्चस्व देखने को मिल रहा था, आज यात्रा की शुरुआत हुई है दिल्ली से और गाजियाबाद के लूनी होते हुए आज उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी थोड़ी ही देर में बस, और जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े कार्यकर्ता और नेता सब वहां पर राहुल गांधी के स्वागत के लिए वहां पर सम्मेलन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और राहुल गांधी की जो यात्रा है उसका स्वागत करेंगे और तमाम इसमें बड़े नेता भी मौजूद हैं। बिल्कुल अविनाश, अगर बात करें तो राहुल गांधी इस दौरान एक सभा भी करेंगे, साथ ही उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेगी, और अगर बात करें लोकसभा सीटों के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए हैं उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से देश जुड़ रहा है उसी तरह से प्रदेश भी इस यात्रा के जरिए जुड़ रहा है, हम देख रहे हैं कि तमाम जो विपक्षी दल हैं उनका भी सहयोग जो है वो राहुल गांधी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बड़ी बात है ये कि राहुल गांधी की इस यात्रा में उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी लगातार इनके साथ राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगी इस यात्रा में, और लूनी में जो संबोधन करेंगे राहुल गांधी वहां पे बड़े बड़े बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं और सभी जो कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, उसके पहले विधानसभा जो लोकसभा का चुनाव है तो उसके पहले ये यात्रा अहम हो जाती है। जिस तरीके से इस यात्रा का रूट उत्तर प्रदेश में नहीं था लेकिन इसके बाद जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव है तो इसका रूट भी उत्तर प्रदेश में तय किया गया और आज इसकी शुरुआत भी देखने को मिल रही है और इसमें तमाम बड़े नेता भी शामिल रहेंगे और राहुल गांधी सबको संबोधन करें। लेकिन एक बात अहम हो जाती है कि चाहे वो कांग्रेस ने जब निमंत्रण दिया था भारत जोड़ो यात्रा का सपा को या बसपा को, लेकिन सभी ने निमंत्रण तो स्वीकार किया लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का ऐसा कोई किसी की तरफ से बयान नहीं आया, तो ये एक बड़ा संदेश है कि यात्रा का स्वागत तो सभी विपक्षी दल कर रहे हैं लेकिन शामिल ना होना ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल अविनाश, अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये यात्रा है कांग्रेस का, तो यही कहना है कि हम भारत को जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहा है, लेकिन जो अन्य दल है वो इस यात्रा को किस संबंध में ले रहे हैं? क्योंकि कुछ दलों का, राजनीतिक दलों का ये भी कहना है कि ये एक राजनीतिक यात्रा है और इससे आने वाले वक्त में सिर्फ कांग्रेस को फायदा होगा, उनकी पार्टी को नहीं, तो क्या इसी चलते लोग जो है वो इस यात्रा से किनारा भी करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने अहम बात बोली है कि जिस तरीके से जो विपक्षी दल है, अभी कल का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बयान भी आता है कि जिस तरीके से जनाधार कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया है तो उसको राजनीतिक तौर भी देखा जा रहा है कि राजनीति के जो अपना पार्टी का जनाधार जो गिर रहा है उसको बढ़ाने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता और जो भी बड़े नेता है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ तौर पर कहा है कि यह यात्रा राजनीतिक नहीं है, यह यात्रा सिर्फ भारत को जोड़ने के लिए की जोड़ा जा रहा है, इससे जो लोग हैं उनको जोड़ा जा रहा है, इसे राजनीतिक तौर पर नहीं देखा जा सकता। लेकिन जो विपक्ष के कुछ लोगों का यह कहना है कि कांग्रेस का जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जनाधार खो चुकी है उसको वापस लाने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये एक अहम सवाल बन जाता है कि इसको इसीलिए कुछ नेता भी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं लेकिन स्वागत तो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश जाता है कि यात्रा कुछ विपक्षी दल का सोचना है कि यह यात्रा राजनीतिक है लेकिन कांग्रेस के लोग तो
कांग्रेस के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि यह राजनीतिक यात्रा नहीं है, यह भारत को जोड़ने के लिए यात्रा है। बिल्कुल अविनाश, अगर बात करें तो आने वाले वक्त में निकाय चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव भी है, तो जिन उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों से ये भारत जोड़ो यात्रा निकल रही, क्या उससे आने वाले वक्त में चुनाव में इससे कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये अहम सवाल हो जाता है कि आने वाले समय में जो ये जो निकाय चुनाव है, इस निकाय चुनाव से ही जो रोड मैप होगा, जो लोकसभा का चुनाव भी यहीं से तय होता है, तो ये एक बड़ा सवाल बन जाता है कि ऐसे में जो भारत जोड़ो यात्रा है इसका उत्तर प्रदेश की सियासत पे कितना असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का क्रेज है, या यूं कहे पूरे देश में जो भारत जोड़ो यात्रा के लोग देख रहे हो, भीड़ जो जमा हो रही है, तो ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। और भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआत से ही जो एक सरकार एक जगह बना लेते हैं कांग्रेस के, तो ये कांग्रेस के लिए खुशी की बात है कि भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं इनके लिए यूपी में भी जो जनाधार अगर बढ़ता है, वोट परसेंट बढ़ता है, तो ये यूपी में भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं सफल मानी जाएगी। बिल्कुल अविनाश, अंतिम सवाल आपसे, भारत जोड़ो यात्रा किन किन उत्तर प्रदेश के स्थानों से निकलने वाली है और फिलहाल अभी का अपडेट क्या है, क्या यात्रा पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा राहुल गांधी की? बस बिल्कुल, राहुल गांधी की ये जो यात्रा है गाजियाबाद से होते हुए लूनी जाएगी, फिर इसके बाद तमाम तीन जिलों में जाएगी। और जिस तरीके से राहुल गांधी की ये यात्रा है, कुछ ही देर में बस लूनी पहुंचने वाली है। इसको लेकर कांग्रेस के जो बड़े कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने बैनर पोस्टर भी लगा दिया और स्वागत के लिए भी बैठ गए हैं, और उनका राहुल गांधी का संबोधन भी होगा। तो इस संबोधन में कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश भी भरा जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा है जिससे कांग्रेस जो भी बड़े कार्यकर्ता या नेता इनके अंदर जोश भरा जा रहा है, ताकि आने वाले निकाय चुनाव हो या लोकसभा चुनाव है, इसमें कांग्रेस से जिस तरीके से एहसास होती जा रही थी, जिस तरीके से विधानसभा सीटें भी दो ही आई कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद इस पर अधिक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कुछ ही देर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और यात्रा को लेकर तमाम तरह की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। राहुल गांधी एक सभा को भी इस दौरान संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी और साथ ही कई बड़े मंत्री भी मौजूद रहेंगे।